हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। गाइस, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ ठंडी ठंडी। कब सोचें क्या ठंडी बनाने जा रही हूँ, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ शरबत। तो कुछ नया बनाने जा रही हूँ, ये है शरबत, दिल्ली का फेमस शरबत है, मोहब्बत का शरबत। तो मोहब्बत का शरबत मैं बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। चलिए देखिए मैं मोहब्बत का शरबत कैसे बनाती हूँ। तो उसको बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए वाटरमेलन, तरबूज जो मैंने अच्छा से छील लिया है, उसका जो बीज है सर मैंने निकाल लिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये चाहिए मोहब्बत का शरबत में हम लोगों को वाटरमेलन, जिससे मैं सारा मैं बीज निकाल चुकी हूँ, अब इसे मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ उसमें चीनी, और मेरे पास ये दूध है, मैं रात को ही बॉयल करके रखी थी फ्रिज में, ओवरनाइट मेरा ये काफ़ी ठंडा दूध है जो उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। अब मैं इसको एक बंच से जाल में इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें ट्रांसफॉर्म करती हूँ इसको, जिस तरह मैं एक दो बार और बना लेती हूँ। ये बहुत थोड़ा सा बना है, तकरीबन दो गिलास बना है, थोड़ा सा मैं और बना लेती हूँ। देखिए गाइस, ये मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, सब लोग मेरा अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी मेरा अभी इसमें रूबजा है, रूबजा मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। इसको मैं साइड में रख रही हूँ। अब मैं अपना ग्लास ले, ये मैंने थोड़ा थोड़ा वो काटे हैं क्यूब में, वाटर मिलन क्यूब में काटी हूँ मैं इसको। इसको मैं गिलास में ऐड करूँगी। एक एक चम्मच करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट जो आता है ना मुँह में जाता है, थोड़ा सा क्रंच टाइप का, तो मज़ा आता है पीने में शरबत। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है शरबत, दिल्ली का फेमस शरबत है। और अभी रमजान में तो गर्मी में बहुत ज़बरदस्त लगता है पीने में। बहुत मोहब्बत से बनता भी है ये मोहब्बत का शरबत, आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार। तो गाइस, मैं इसमें गिलास में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करती हूँ अपना मोहब्बत का शरबत। तो गाइस ये देखिए, मैं ग्लास में शरबत में लेती हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब, इससे तो और ज़बरदस्त बनता है आइस क्यूब डालने से, चीज हो जाता है शरबत और पीने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस देखिए आप, मेरा मोहब्बत का शरबत बिल्कुल रेडी है। मन तो कर रहा है कि अभी एकदम पूरा गटक लूँ, बट रोजा से हूँ, गटक नहीं सकती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, 10 मिनट टाइम है अफ्तार में, फिर मैं इसको फ्रिज से निकालूंगी, फिर चील करके पूरा एकदम गटक लूँगी अफ्तार के टाइम में। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मोहब्बत का शरबत। तो फिर मिलते हैं अफ्तार बाद, तब तक के लिए यहीं बात को हम लोग। गाइस, अफ्तार से फारिग हो गए हम लोग, उस टाइम बात करते करते तो मैं ब्लॉग वहीं पे स्टॉप कर दी थी, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा था और काफ़ी मुझे गर्मी लगी थी किचन में बहुत ज़्यादा। तो गाइस, आज अब पता है आप लोगों को, आज बहुत तेज़ गर्मी थी, अल्लाह का शुक्र है अभी तो थोड़ा हवा चल रही है, तो अभी थोड़ा मौसम में राहत है गर्मी में। तो सो गाइस, आज जो मैंने इतनी गर्मी में, मुझे आज बहुत मतलब गर्मी लगी थी, सोचा चले कुछ हम लोग नया ट्राई करें, तो आज मैं मोहब्बत का शरबत बनाई।
और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आज मैं अपलोड करूँगी अपना वीडियो, तो आप पूरा देखिएगा वीडियो और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा मोहब्बत का शरबत, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़बरदस्त शरबत बनता है ये, और ये दिल्ली का फेमस शरबत है मोहब्बत का शरबत, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी वाटरमेलन का ये भी सीज़न भी है। तो गाइस चलिए फिर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे प्यार दीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।